हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय माउंट लकी एकेडमी सेकेंडरी स्कूल बालोत्रा। नंबर्स इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी डन सम एग्जांपल्स फॉर द कंपैरिजन। टुडे वी डू सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स। पहले हमने सिंपलर एग्जांपल सॉल्व किए थे, बट नाउ टुडे वी हैव टू टेक सम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आल्सो। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द 4, 2, 6 and 7, 4। दिस नंबर हैव टू कंपेयर विद द 4, 2, 6 and 8, 4, 3। एज वी ऑल नो दैट दी फॉर द कंपेरिजन वी हैव ए टू केस। वॉट इज द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस? फर्स्ट केस इज दी वैन द नंबर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, वैन नंबर्स कंटेन सेम नंबर ऑफ डिजिट, देन इफ ए नंबर कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, नंबर कंटेन द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, एंड वॉट आर द एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग देन? इनके अब एग्जाम्पल्स क्या होंगे? लाइक नंबर 4, 5, 6, 4, 2, 6। दिस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ डिजिट, सो एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट केस आर द 4, 5, 6 and 4, 2, 6। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड केस, वॉट इज द एग्जाम्पल फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट? हियर वी हैव द 2, 3, 4 and 5, 6। ठीक है, ये दो कोई भी हमारे नंबर्स हैं, तो सेकेंड केस के एग्जाम्पल हो जाएंगे 2, 3, 4 and 5, 6। लेट्स कम ऑन अवर एग्जाम्पल 4, 2, 6, 7, 4 and 4, 2, 6, 8, 4, 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू कंपेयर फॉर बोथ दी नंबर्स। फॉर कंपेयरिंग अवर फर्स्ट स्टेप इज टू दी काउंट दी डिजिट। क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? टू काउंट दी नंबर ऑफ डिजिट। वॉट वी हैव टू काउंट? वी हैव टू काउंट दी नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर 4, 2, 6 and 7, 4। Here we have the 5 number of digit, and if we see about the second number, in this we have 6 number of digit. Here we have 5 number of digit and here we have 6 number of digit. So which is the greater? Obviously 6 number of digit. So by seeing the number of digit, we can say that the number contains 6 digit is the greater than the number contain 5 number of digit. So finally we have to write 4, 2, 6, 8, 4, 3 is greater than 4, 2, 6 and 7, 4. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंपेयर द नंबर। इफ द नंबर कंटेन द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट, अगर उनकी डिजिट है वो डिफरेंट है, तो हम डिजिट से ही डायरेक्ट कंपेयर करके उनके नंबर का कंपेरिजन फाइंड कर सकते हैं। देन सेकेंड स्टेप, अब ये तो हमारी बात हो गई कि यहाँ पे जो डिजिट है वो डिफरेंट आ गई। इफ वी टेक हियर 1, अगर हमारा यहाँ पे डिजिट है वो सेम ले लेते हैं, then this number also contains the 6 number of digit and this number also contains the 6 number of digit, तब हम कैसे इसको compare करेंगे? Let's start with the comparison for the same number of digit. See here, 4, 2, 6 and 7, 4. So first of all we have to make the chart. Let's draw the chart. In this one by one digit is drawn. ठीक है, one by one digit को यहाँ पे हम place करेंगे। Here we have the 4, 2, 6, 4, 2 and 6. Then we have 7, 4, 1, 7, 4 and 1. Then second number is the 4, 2, 6 and 8, 4, 3. 4, 2, 6 and 8, 4, 3. Now establish the relation between both the numbers. ठीक है, इन सब डिजिट के बीच में हम क्या करेंगे? एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कंपेरिजन के लिए। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट और ग्रेटर? सी द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर 4 and 4, विच शोज द इक्वल साइन। Then we have 2 and 2, which also shows the equal to sign. Then next we have equal to sign. Then see the fourth digit. In first number we have a 6. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा 6 and 6, ये तो हो गया हमारा equal to में. Then fourth digit में क्या है? 7. Second number में क्या है हमारा? 8. So we can say that the 7 is the less than 8. Up to fourth digit we can find about the comparison of a number. यहाँ से हमें पता चल गया कि विच नंबर इज द ग्रेटर और विच नंबर इज द स्मॉलर। सो वी कैन एस्टेब्लिश नाउ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, विच शोज द लेस देन साइन। फर्स्ट नंबर इज द लेस देन सेकंड नंबर, सो राइट द फर्स्ट नंबर 4, 2, 6 and 7, 4, 1. 7, 4, 1 and 4, 2, 6, 8, 4, 3. What is the relation between both the number? The relation between both the number is that less than this number. First number is the less than second number. The numbers contains the 4, 2, 6, 7, 4, 1 is less than the 4, 2, 6, 8, 4, 3. ठीक है, so this is how we compare a number. Let's take one more example, और इनका जो tabular chart है
वो जो हमें एक्सप्लेन करना है अपनी आंसर शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। हियर वी हैव दी टेबुलर फॉर्म ऑफ दी सॉल्यूशन, जो कंपैरिजन होता है नंबर का उसका जो टेबुलर फॉर्म है वो हम अभी स्टडी करेंगे। हियर वी हैव दी थ्री रोज, यहाँ पे हमारी क्या है थ्री रोज है। हियर वी हैव दी रिजल्ट और दी रिमार्क, इन लास्ट कॉलम वी हैव टू राइट दी रिमार्क, इन मिडल कॉलम वी हैव टू राइट दी रिजल्ट, देन इन फर्स्ट कॉलम वी हैव टू राइट दी नंबर्स, ठीक है, नंबर्स और दी डिजिट। डिजिट प्लेस करेंगे द नंबर्स हैव, एग्जाम्पल्स में हम चेक करें तो हियर वी हैव दी नंबर, देन 4, 2, 6, 8 and 4, दीज आर दी टू नंबर्स इन विच वी हैव टू मेड दी रिलेशन फॉर दी कंपेरिजन, ठीक है, कंपेरिजन के लिए इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो हियर वी हैव टू राइट दी नंबर्स और दी डिजिट, डिजिट प्लेस करेंगे यहाँ पे 4, 4, फर्स्ट डिजिट ऑफ दी बोथ दी नंबर्स। क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट है इन नंबर की वो यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवाएंगे। हियर वी हैव दी 4 and 4, दिस इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए बोथ दी नंबर। रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज द लेस देन, फर्स्ट डिजिट इज द लेस देन 4 डिजिट और द इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल टू और ग्रेटर। वी हैव थ्री सिस्टम होते हैं, इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा 4 इज इक्वल टू द 4, दिस इज दी अवर रिजल्ट और रिलेशन बिटवीन बोथ दी नंबर्स। अब रिमार्क में क्या आ जाएगा हमारा, शैल वी कंटिन्यू और स्टॉप इट, यहाँ पे हम रुकेंगे या कंटिन्यू करेंगे। हियर वी गॉट दी इक्वल टू साइन, इफ वी गॉट लेस देन और ग्रेटर देन साइन देन वी हैव टू स्टॉप, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता स्टॉप हो जाता, देन हमारा रिलेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाता। बट हियर वी गॉट दी इक्वल टू साइन, यहाँ पे हमारा क्या हुआ इक्वल टू साइन आया, बिकॉज बोथ दी नंबर आर दी सेम, सो वी हैव टू कंटिन्यू, क्या करेंगे हम कंटिन्यू करेंगे, सो रिमार्क इज दी कंटिन्यू, देन टेक दी सेकेंड डिजिट। अब हम क्या करेंगे सेकेंड डिजिट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवाएंगे विच इज दी 2, 2, अगेन इट इज इक्वल, बोथ नंबर आर दी इक्वल, बोथ डिजिट आर दी इक्वल, सो वी हैव टू कंटिन्यू, क्या करना होगा हमें कंटिन्यू करना होगा। टेक दी थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट इज दी 6, 6, 6, एंड वॉट अबाउट दी फोर्थ डिजिट, इट इज दी 8, 8, एंड लास्ट डिजिट इज दी 5, 4। नाउ एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द 6 and 6 विच आर ऑल्सो द इक्वल, सो राइट हियर एज ए कंटिन्यू, क्या करना होगा हमें कंटिन्यू करना होगा, बिकॉज अप टू दिस वी कैन नॉट गेट अवर कंक्लूजन, कंक्लूजन हमें नहीं मिला कि दिस नंबर इज लेस देन और द ग्रेटर देन। नाउ 8 and 8 देर आर ऑल्सो इक्वल, ये भी इक्वल है, देन वी हैव टू कंटिन्यू, सो कंटिन्यू द रिलेशन फॉर द नेक्स्ट डिजिट 5 and 4 विच शोज द रिलेशन बिटवीन ग्रेटर और लेस देन, ये क्या शो करता है हमारा ग्रेटर देन, 5 इज दी ग्रेटर देन 4, सो हियर वी हैव टू स्टॉप, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टॉप करेंगे, बिकॉज अप टू दिस वी कैन फाइंड द रिलेशन, यहाँ पे हमें क्या मिल गया रिलेशन फाइंड हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 4, सो वी कैन इजिली राइट एज दी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सो राइट हियर फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा कि 4, 2, 6, 8, 5 इज दी ग्रेटर देन 4, 2, 6, 8, 4, सो दिस इज दी अवर फाइनल रिजल्ट और दी कंक्लूजन, ठीक है। ये था हमारा सेकंड मेथड, इनिशियल मेथड में हमने क्या किया डायरेक्ट कंपेयर किया, फिर जो फाइनल हमारे पास रिलेशन आया उसको हमने नंबर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करवा दिया। अब जो सेकंड मेथड है ये आपको आंसर शीट में रिप्रेजेंट करवाना है, जो ऑथेंटिक मेथड कहते हैं हम वो आपका ये वाला है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट और एस्टेब्लिश दी रिलेशन अमॉन्ग दी नंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे सेशन, इन दिस वी हैव कम्प्लीट अवर टॉपिक विच नॉन एज दी कंपेरिजन ऑफ नंबर, इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट दी अनदर टॉपिक विच शोज अबाउट दी आइडेंटिटी ऑफ ए नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे सेशन, थैंक यू स्टूडेंट्स।